हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ योर होस्ट विश्वेश। एंड रिसेंटली, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एंटी स्पोर्ट्स नए प्रोडक्ट लॉन्च करता रहता है, नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करता रहता है। एंड रिसेंटली दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू सीरीज ऑफ कैबिनेट्स, बोथ इन द आइस एज वेल इन द एयर सीरीज। आइस सीरीज में 100 एंड 110 उनकी आई है, एंड एयर सीरीज में 220 एयर एंड द 250 एयर आर द न्यू ऑफरिंग। आज हम लोग 250 ईयर की बात करने वाले हैं, बट इन केस यू वांट मी टू कवर द आइस 100 एंड द 110 या फिर 220 ईयर के बारे में आप बात करना चाहते हैं, मेक श्योर यू लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल ट्राई टू गेट द वीडियोस आउट फॉर यू गाइस एज पॉसिबल। सो गाइस, बैक टू द टॉपिक, आज 250 ईयर हमारे पास रखे हुए हैं। 250 ईयर ऑब्वियसली एयर सीरीज में आता है, तो यहाँ पे आपको एयर का मतलब है काफी अच्छा वेंटिलेशन, काफी अच्छा एयर फ्लो मिलने वाला है इन सीरीज में। दैट इज द रीजन कि आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप ब्लैक वर्जन लें या व्हाइट वर्जन लें, दोनों में ही आपको 120 एमएम के तीन ऑटो आरजीबी फैंस मिल जाएंगे। माइंड इट गाइस, ये ऑटो आरजीबी फैंस हैं, दीज आर नॉट एआरजीबी फैंस। सो विद दैट बीइंग सेड, अगर टोटल फैन अकोमोडेशन कैपेसिटी की बात की जाए, तो यहाँ पे 8 120 एमएम के फैंस आप इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा वेंटिलेशन मिलेगा इन कैबिनेट्स में। यहाँ पे एयर कूलर की क्लियरेंस जो है 160 एमएम की मिल जाती है। रेडिएटर की बात की जाए गाइस, तो 360 एमएम का फ्रंट में एंड 280 एमएम का अप टू आपको टॉप में सपोर्ट मिलता है, विच इंश्योर्स कि आप एक हाई टीडीपी बिल्ट अगर आप बना रहे हैं तो भी आपका प्रोसेसर बहुत ही इजीली इसमें कूल रहेगा, नो मैटर इफ यू गो फॉर एन एयर कूल्ड बिल्ड या फिर आप लिक्विड कूल्ड बिल्ड की ओर जाना चाहते हैं तब भी। अगर यहाँ पे स्टोरेज की बात की जाए, तो यहाँ पे दो हार्ड ड्राइव, एक एसएसडी या फिर दो एसएसडी एक हार्ड ड्राइव आप इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं, विच आई थिंक इज मोर देन इनफ फॉर बजट या फिर मिड रेंज गेमिंग पीसी। कनेक्टिविटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वाइटल एस्पेक्ट होता है किसी भी कैबिनेट का, यहाँ पे आपको ऑफरिंग में मिलते हैं दो यूएसबी टाइप 3 पोर्ट्स, साथ ही साथ एक पावर एक रीसेट बटन एंड दो ऑडियो जैक्स मिलते हैं फॉर योर माइक एज वेल एज हेडफोन। गाइज, यहाँ पे दो कलर्स अवेलेबल हैं, दिस इज द व्हाइट वन एंड दिस इज ऑब्वियसली द ब्लैक वन। तो अगर आप कोई भी बिल्ड थीम के साथ जाना चाहते हैं, आपके पास दो ऑप्शंस इजीली अवेलेबल है इन द 250 एयर। अगर बात कर ली जाए कि ये आपको किस तरीके की बिल्ड के साथ पेयर अप करने चाहिए या लेने भी चाहिए या नहीं, तो गाइज मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप एक बजट बिल्ड की ओर जा रहे हैं, जहाँ पे आप इंटेल i3 या एक मिड टीयर बिल्ड की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे इंटेल i5 जैसे प्रोसेसर यूज कर रहे हैं या AMD में Ryzen 5 जैसे प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, देन डेफिनेटली यू शुड बी कंसिडरिंग द 250 एयर, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे आपको एयर कूलर का भी क्लियरेंस काफी अच्छा मिल जाता है। 160 एमएम का क्लियरेंस है गाइज, तो AG620 जैसे एयर कूलर आप इजिली पेयर अप कर सकते हैं, 360 एमएम का AIO पेयर अप कर सकते हैं। एंड ग्राफिक कार्ड की बात की जाए, तो यहाँ पे आप 3060 आई थिंक या फिर 3070 जैसे भी अगर आप RTX कार्ड यूज कर रहे हैं, इन द 250 एयर वुड बी मोर देन इनफ नॉट ओनली टू अकोमोडेट दीज कॉम्पोनेंट बट ऑल्सो टू कीप देम कूल थ्रू आउट द लोड दैट यू विल बी पुटिंग ऑन दोज कॉम्पोनेंट। सो गाइज, आई थिंक वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, ना अच्छी लगी हो तो भी कमेंट सेक्शन में लेट मी नो, वी आर वेलकम एंड वी आर ओपन टू फीडबैक्स, वी विल ट्राई टू इंप्रूव ऑन दोज। एंड अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकन। सो गाइज, आई विल रैप अप द वीडियो राइट हियर, यू गाइज आर ग्रेट, माय नेम इज विश्वेश एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट।